नहीं मतलब उसमें किसकी बहस होती रही, प्लांट्स और एनिमल्स की बहस होती रही, तो यही बहस करनी पड़ेगी। आजकल तो ये फॉर्म्स लाइक एग्रीकल्चर फॉर्म भी और फिश फॉर्म भी और कैटल फॉर्म भी और बड़े बड़े फॉर्म भी। तो आपने कौन सा, सिर्फ पाकिस्तान में रहना है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो थाउजेंड्स ऑफ काउस। अगर कहीं ऐसी जगह जॉब मिल गई तो हरगिज नहीं छोड़नी। IAS 41 पड़े। बायोलॉजिकल एसेट किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन से शुरू करना, बन सके ये डेफिनेशन रटा लगाने वाली नहीं है, इस पर पढ़ते जाना। बायोलॉजिकल एसेट्स में क्या क्या शामिल है? लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स भी लिविंग होते Yes, हैं। एग्जाम्पल्स पढ़े, तीन कॉलम्स बने, बायोलॉजिकल एसेट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। एक वर्ड आया बार बार, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब है लिविंग, नहीं, वो थोड़ी सी ट्रांसलेशन जो हम नॉर्मली रियल लाइफ में करते हैं उससे ज्यादा डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो हार्वेस्ट मेरा ख्याल है तोड़ने को कहते हैं वैसे वो, लेकिन वो सिर्फ फसलों या फलों के लिए होता है वो रियल लाइफ में। लेकिन इस स्टैंडर्ड में हार्वेस्ट का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बायोलॉजिकल एसेट से डिटैच करना। तो उसमें बायोलॉजिकल एसेट में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी काउ से मिल्क हासिल की है तो इस स्टैंडर्ड में वो भी हार्वेस्ट ही कहलाएगा। हाँ, अगर फलों कोई फलों वाला दरख्त है उसमें से फल उतारा तो वो भी जो आपने तोड़ा है ये हार्वेस्ट है। तो थर्ड कॉलम में पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने के बाद भी फर्दर प्रोसेसिंग हो सकती है। तो हार्वेस्ट मीन्स डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये वर्ड्स मैं बोलता जा रहा हूँ, जरा थोड़े से अंडरस्टैंड कर ले। अगर अपने जरा एक रोज में पढ़ना, जरा शीप बायोलॉजिकल एसेट Yes, है, उससे क्या मिला? उस वूल को फर्दर प्रोसेस करके कारपेट बना रही है। नंबर टू, डेरी कैटल, मिल्क हासिल किया, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और मिल्क को फर्दर प्रोसेस करके कोई दही जमा लिया या उससे चीज बना ली। ये मतलब लास्ट कॉलम में क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फर्दर प्रोसेसिंग, हार्वेस्टिंग के बाद फर्दर प्रोसेसिंग। कॉटन प्लांट, कपास का पौधा, उससे क्या उतारा? कपास उतारी और उससे फिर कपास को फर्दर प्रोसेस करके टेक्सटाइल मिल में, स्पिनिंग मिल में पहले धागा बना लिया, फिर वीविंग मिल में कपड़ा बना लिया। वीविंग मिल के बाद गारमेंट्स की फैक्ट्री में उसी कपड़े से आगे भी गेम चला दी। टी बुशेस, चाय की, जहाँ पे चाय की झाड़ियां बेसिकली होती हैं, ये जिस तरह की बेलें शायद बोलते हैं, तो वहां से क्या उतारा? पत्ते, चाय के पत्ते उतारे और उसके फिर चाय बना ली डब्बों में। पत्ते पत्ते मिलते हैं आपको दुकान से, फर्दर प्रोसेसिंग फॉर्म मिलती है। फ्रूट ट्री फॉर एग्जाम्पल, के ऑरेंज का दरख्त है, वहां से क्या हासिल हुआ? मैंगो ट्री है तो मैंगोज हासिल हुए, लेकिन उसके बाद फिर आपको शायद आइडिया होगा, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे खूबसूरत सी पैकिंग में रख के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे एज इट इज जो आम है वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन उसे अगर साफ सुथरा करके किसी डब्बे में पैक करके बेचा जाए तो ब्रांड बन जाता है। पाम ऑयल ट्री सिंपली, तो वहां से जो आप उतारेंगे जिसमें से ऑयल निकलेगा और फिर उसे प्रोसेस कर लेंगे तो ऑयल प्रोसेस फॉर्म में आ जाएगा। शुगर केन, उससे क्या निकला, उससे क्या बना? ठीक है, तो ये पहले दो कॉलम्स में क्या पढ़ा हमने, बल्कि पहले कॉलम में क्या है, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, इनमें एनिमल्स भी हैं प्लांट्स भी हैं, उनसे जो हासिल होने वाली चीज है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको फर्दर प्रोसेस भी समटाइम्स किया जा सकता है। देन पॉइंट ऑफ मेमोरी, चीजें तकरीबन सारी आ गई इस डॉक्यूमेंट्री में। समटाइम ट्रीज आर फिजिकली अटैच्ड टू द पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, में इस केस में जो दरख्त है वो तो बायोलॉजिकल एसेट है और देयरफॉर IAS 41 अप्लाई होगा, अनलेस वो एक और गेम हो जाए जो IP। लेकिन जो लैंड है वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में ही रहेगी, मतलब लैंड को अलग मेजर करेंगे और जो दरख्त है उसकी वैल्यूएशन अलग करेंगे। लैंड पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IAS 16। और जो दरख्त है अगर वो बेयरर प्लांट हो जाए तो फिर अलग सिचुएशन थी, तो डिस्कस करूंगा।
अब स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, नीचे एक स्टोरी से लिखी हुई है, स्टैंडर्ड में ओरिजिनल लिखी हुई है, तो जस्ट हमने एक नजर बस देखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या चीज है, आराम आराम से, आराम से, मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट। आपने मसलन जिस तरह ईद पे होता है, बड़ी ईद पे आपने जानवर इसलिए रखे हुए हैं ताकि उन्हें बड़ा किया जाए, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उनमें ग्रोथ हो जाएगी। फिर आपने एक दो महीने के जानवर खरीदे, फिर ताकि वो साल डेढ़ साल जिस तरह इनके जो भी लाइफ होती है वो पूरी हो जाए, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम जाके मार्केट में बेच देंगे। तो ये आपने बायोलॉजिकल ट्रांसफर किस मकसद के लिए की है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो एक तो ये हो सकता है, समझ आ रहा है। फिर दूसरा ये है एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग। फिर आपका ये भी मकसद हो सकता है कि आप अपने इन एनिमल से और एनिमल्स हासिल करके उन्हें बेचेंगे, तो ये क्या हो गया, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। तो मुर्गियां आपने पालनी है और अब आपका प्लान है कि इससे और बच्चे हासिल करेंगे और उनको फिर बेचेंगे, ठीक है सर। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैनेजमेंट of biological transformation of biological asset for the purpose of harvesting। तीसरा मकसद ये हो सकता है कि आपने cows रखी हुई ताकि उनसे milk हासिल कर सके, बेचने का plan नहीं है, reproduction करके further भी, या ये भी हो सकता है sometimes एक से ज्यादा plan हो, लेकिन एक plan ये भी हो सकता है agriculture produce हासिल करनी है। ये भी हो सकता है कि हमने cows इसलिए रखी हुई ताकि हम उसे ultimately बाद में जब उसकी उसका size उसकी growth हो जाए उसको जिबा करके उसका उससे गोश्त हासिल करके बेचें, तो ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। कौन सी, उसे गोश्त हासिल करना, बड़ा कुछ हो सकता है। तो कौन से तीन चीजें हैं जी मेनली, कौन से वर्ड्स तीन दफा बार बार आए हैं, चलें पहले ये बताएं। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तीन दफा लफ्ज आया है, लेकिन उसका मकसद या क्या और या क्या हो सकता है, अल्टीमेटली सेल करना हो सकता है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स हासिल करना हो सकता है, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हासिल करना हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया बनाते रहे आप, इंशाल्लाह गेम आगे चलती रहेगी। देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या चीज है, इट इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट से जो चीज हासिल होगी वो क्या कहलाती है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो स्टैंडर्ड में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो लिविंग एनिमल से भी हासिल हो सकती है और लिविंग प्लांट से भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ठीक है, मिल्क, मीट, एग्स, फ्रूट्स, इन शॉर्ट वर्ड्स व्हाट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या चीज है, बायोलॉजिकल एसेट्स से जो मिलेगा। देन एक वर्ड हार्वेस्ट आया था, हार्वेस्ट इज द डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसेट, किससे क्या कर लेना, बायोलॉजिकल एसेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अलग कर लेना का प्रोसेस कहलाता है हार्वेस्ट। फल जहन में रखो, किसी दरख्त में से दरख्त पे फल लगा और आप दरख्त ये फल तोड़े, जो फल तोड़े इसको क्या बोला जा रहा है, बाकी बार मिल्किंग कहो और पिकिंग द फ्रूट्स फ्रॉम ट्री और द सेशन ऑफ एंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट यूजफुल लाइफ, जिसमें मैंने मीट की एग्जांपल दी, ये भी हार्वेस्ट किया हमने, वो हासिल करी, लेकिन उससे फिर डेफिनेटली क्या होगा कि आपका जो बायोलॉजिकल एसेट है उसकी लाइफ भी वहीं खत्म हो जाएगी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड आया है जी बार बार, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट में क्या हो जाता है, एसेट चेंज हो जाता है, कैसे, ग्रोथ की वजह से, ब्रैकेट्स पढ़ते रहे, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एन एनिमल, फॉर एग्जाम्पल लैम्स ग्रो इनटू शीप। अच्छा, इंक्रीज इन क्वांटिटी का मतलब और हासिल कर लिया आपने और रिप्रोडक्शन से और हासिल हो गया, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी का क्या मतलब है, ये जिस बकरों की एक होता है दो दांत वाला, लेकिन उससे ज्यादा एज का अगर हो जाए तो फिर शायद इसकी वैल्यू कम भी हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने छोटा सा बकरा खरीदा है और बाद में एक साल तक पहुंच गया, तो इससे क्या हो रहा है, क्वालिटी में इजाफा हुआ, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ग्रोथ नहीं ना, मतलब दो तो नहीं हो गए लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद फिर वो अगर
नहीं बचेंगे तो वो उसकी वैल्यू डिक्रीज भी हो जाएगी। डी जनरेशन, अब वो जिससे मैंने अभी बात की, और डिक्रीज इन क्वांटिटी, डेथ हो गई अल्लाह रहम करे, और डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी, क्या ख्याल है? कौन से बकरे पसंद होते हैं लोगों को? लेकिन अगर नहीं मतलब व्हाइट कलर का भी वो भी ठीक है, लेकिन अगर उसकी एज ज्यादा हो जाए, ज्यादा दांत उसके हो जाए, तो वो लोग पसंद भी नहीं करते, उसके वैल्यू से रिड्यूस हो जाते हैं। चार तक भी शायद चलता है मेरा, लेकिन उससे और पता नहीं क्या क्या करते हैं। रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, क्रिएशन ऑफ एडिशनल लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, और प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बहरहाल अभी इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बनाते रहे, असल चीज वही है, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स है, वो इंशाल्लाह भी कर लेना। देन ये जो हमने पढ़ा पिछले पेज पे, इसकी एक एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ आ रही है। आपने मुझे ये डेफिनेशन की चार जो लाइने लिखी हुई, ये डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ नहीं, एक एग्जाम्पल में वो चारों मतलब एग्जाम्पल में जो पीछे पढ़े अपने टर्म्स, उन टर्म्स को जरा एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ। वो कहता है सबसे पहले एक फार्मर है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास हर्ड ऑफ एनिमल्स, हर्ड ऑफ लैम्स है। हर्ड क्या होता है? रेवड़। क्या ये बायोलॉजिकल एसेट है उसके पास? एज द लैम्स ग्रो, दे ग्रो थ्रू बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एज शीप दे आर एबल टू प्रोक्रिएट एंड रिप्रोड्यूस एंड वूल फ्रॉम द शीप प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फार्मर। अब ये जो वूल है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। वंस द वूल हैज बीन शीयर्ड का मतलब उतार ली जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हार्वेस्ट हो गई, इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब जरा ब्रैकेट जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा आपने ये सुनी भी होगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे भी IAS 41 अप्लाई होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे। मतलब ये होता है इसका कि जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप उतारेंगे, उस वक्त इस पर IAS 41 अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप स्टोर रूम में रख लें और ईयर एंड आ जाए, तो फिर आप ईयर एंड पे IAS 40 नहीं अप्लाई करेंगे, IAS 41 नहीं अप्लाई करेंगे, आप IAS 2 अप्लाई करेंगे। किस लम्हे किस पे क्या करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IAS 41 अप्लाई करेंगे, और अगर इसे आपने स्टोर रूम में रखा है और ईयर एंड पे ये चीजें अभी पड़ी हैं, तो ईयर एंड पे फिर आप IAS 2 मींस लोअर ऑफ कॉस्ट NRV के बेस पे वर्किंग करेंगे। बाकी फिर मैं फिगर से भी बात करता हूँ, ये पढ़े बैठे मेयर इट अकॉर्डिंग टू IAS 41 एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ये क्या होता है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? हाँ जी, इस वक्त उसे डिटैच करेंगे, एंड आफ्टर दैट IAS 2 विल बी अप्लाइड फॉर एनी फ्यूचर मेजरमेंट। मसलन आपने आम के दरख्त से आम उतारा, इस लम्हे आपने क्या करना है? असल में IAS 41 अगर आपके वर्ड ज़हन में हो, तो IAS 41 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल की बेस पे मेजर करना। हम आम उतारा उसी वक्त उसकी मार्केट वैल्यू, और अगर मैं बेचने के लिए कोई खर्चा करना है तो वो लेस करके जो उसकी वैल्यू बनती है वो डिटर्मिन हो गई। तो इसकी फिर एंट्री क्या होती है वो बाद में डिस्कस करता हूँ। तो ये किस लम्हे हो गया काम? जैसे आपने उतारा। अब अगर आपने इसके बाद अपने शोरूम में रखा, और अगर तो ईयर एंड से पहले पहले बिक गया, फिर तो इन्वेंट्री पड़ी नहीं होगी, फिर तो बहस खत्म होगी। लेकिन अगर ईयर एंड पे कुछ चीजें पड़ी हैं, तो फिर आप उसे, वो जो स्टॉक पड़ा होगा उसे IAS 2 के मुताबिक मींस लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। अब कॉस्ट किसको कहेंगे फिर? हाँ जी, ये भी बात हुई थी कि जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आपने लगाई होगी, यही इनिशियली कॉस्ट कहलाएगी, और बाद में इस कॉस्ट को फिर आप उसकी ईयर एंड पे NRV से कंपेयर कर लेंगे, और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV का प्रिंसिपल अप्लाई होगा अगर ईयर एंड पे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टॉक में पड़ी है, और अगर नहीं पड़ी है तो ऑब्वियसली फिर बहस ही खत्म हो जाएगी। तो किस लम्हे क्या है और उसके बाद फिर क्या है? फला दें मायूसी फैला ही दें। देन आगे रेकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। रेकॉग्निशन किसे कहते हैं? रिकॉर्ड एसेट, रिकॉर्ड डेबिट होना। तो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, रेकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कंसंट्रेशन से बस मेरे वर्ड सुन के हजम करते रहे, ये सब कुछ हम पढ़े स्टैंडर्ड में लिखा होता है, ऐसा याद नहीं करना। लिखा ये हुआ इस वक्त के बायोलॉजिकल एसेट्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर आपने डेबिट करना है, तो नीचे वाली तीन कंडीशन मीट होनी चाहिए। किस किस का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इकट्ठा आ रहा है? बायोलॉजिकल एसेट हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, अगर उन्हें अपने बुक्स में डेबिट करना है, तो तीन चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, बी के साथ जरा एंड ढूंढ लें, तीनों या कोई एक, तीनों। नंबर ए, एंटिटी कंट्रोल्स द एसेट,
बोल्ड वर्ड्स एज अ रिजल्ट पॉजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज द कॉप, आपके कंट्रोल में हो गया. लेकिन सपोज आफ्टरवर्ड्स इट हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी कॉप, तो क्या वो भी आपके कंट्रोल में होता है? अगर कोई और आके कहे भाई नहीं मेरा है, तो फिर आप डेबिट नहीं कर सकते. बी देर इज अ प्रोबेबल फ्यूचर इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. मींस कैसे, या बेच सकते होंगे या उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल कर सकते होंगे, कोई ना कोई फायदा भी एक्सपेक्टेड होना चाहिए. एंड फेयर वैल्यू ये कॉस्ट कैन बी मेजरेबल. हमने डबल एंट्री करनी है तो या क्या पता होना चाहिए, या क्या पता होना चाहिए, फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए या कॉस्ट पता होना चाहिए. नंबर वन कंट्रोल में हो, नंबर टू प्रोबेबल बेनिफिट्स हो, और नंबर थ्री कॉस्ट या फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी अकाउंटिंग अभी करते हैं. तो ये तीनों कंडीशन अगर मीट हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? डेबिट कर लेंगे अपनी बुक्स में एसेट, डेबिट कर लेंगे बायोलॉजिकल एसेट. अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई है मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स. अब किसकी बहस अलग होने लगी है? रिकॉर्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दोनों का सेम है, लेकिन अब पहले बहस होगी कि बायोलॉजिकल एसेट्स को कैसे मेजर करना है, और बाद में फिर पेज नंबर देखें 213 वहां पे एक अलग हेडिंग मिलेगी मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. दोनों का क्या सेम है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है, लेकिन दोनों की मेजरमेंट में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसलिए उसको फिर अलग डिस्कस करते हैं. अब पहले सिर्फ किसकी बात होगी? बायोलॉजिकल एसेट्स मींस लिविंग एनिमल और प्लांट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसकी बहस बाद में होगी. जो उनसे हासिल होता है उसकी बहस बाद में, लिविंग एनिमल है या लिविंग प्लांट है उसकी काउंटिंग आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? जी सर, नंबर वन बायोलॉजिकल एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इनिशियली भी एंड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग डेट भी. अगर आप कोई भी और स्टैंडर्ड नहीं मिला ना, मसलन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट, इवन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएंगे देन में. तो इनिशियली ये तीनों एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, इंटेंजिबल हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे डेबिट होते हैं. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए फिर अगर IS 16 या IS 38 है तो कॉस्ट मॉडल एंड रिवेल्यूशन मॉडल है. लेकिन अगर IS 40 में चले जाए तो कॉस्ट मॉडल वहां भी है, लेकिन वहां पर फेयर वैल्यू मॉडल है. इनिशियली अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा जिंदगी में वो कॉस्ट पे ही एसेट्स डेबिट होते हैं, लेकिन यहाँ एक नई सॉर्ट ऑफ चीज है, उसकी काउंटिंग फिर कैसे होगी मैं बताता हूँ. लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, शुरू में भी और हर बैलेंस शीट डेट पे भी आपने बायोलॉजिकल एसेट्स को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करना. व्हाट इज द मीनिंग फेयर वैल्यू? मार्केट वैल्यू, और जो मार्केट से हासिल हो सकती है, और लेस कॉस्ट टू सेल वही है जो सेलिंग एक्सपेंसिस है, जो बेचने पे खर्चे होने. एनी गेन लॉस फिर कहाँ जाना है? Any gain loss on initial recognition and subsequent measurement in the fair value less cost to sell at the end of each reporting period is recorded and underlined current होंगे बस. क्या double entry बन रही है sort of? मतलब gain loss दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये फिर working में discuss कर लेंगे ये सब कुछ कैसे entries होनी. लेकिन initially किस पर measure होना? Fair value less cost to sell और subsequently भी fair value less cost to sell. अब market values बदल सकते हैं, तो मार्केट वैल्यूज की फ्लक्चुएशन से फिर गेन्स भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, दोनों कहाँ जाने? प्रॉफिट एंड लॉस में या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऊपर ऊपर जी जी वो लगाएंगे. हर बैलेंस शीट डेट पे फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे, और जो पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल लगी होगी उससे कंपेरिजन करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज गेन या लॉस बन जाएगा. अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही होगी तो गेन हो रहा होगा, अगर कम हो रही होगी तो लॉस हो रहा होगा. Then next point पढ़ना. If an entity has thousands of cows, इस तरह की बातें बीच में आई हुई हैं, तो थोड़ी सी help करते हैं हमरे. If an entity has thousands of cows, sheep, or other biological assets, बहुत बड़ा कोई बाग बनाया हुआ, दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, दरख्त हजारों में दरख्त, लाखों में दरख्त. Then in order to measure the fair value, you do not need to check market value. अब असूलन तो क्या करना पड़ेगा, हर एक ही मार्केट वैल्यू जाके एस्टिमेट करें, लेकिन वो जरा इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा. तो रिलैक्स रहकर ज्यादा पड़े, रादर एंटिटी कैन ग्रुप बायोलॉजिकल एसेट्स बेस्ड ऑन देयर सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल एज, लेट्स अस्यूम कोई काउज़ हैं, मतलब
अब असूलन तो हर एक को अलग अलग गिनना चाहिए, लेकिन अलग अलग के बजाय उनको ग्रुप किया जा सकता है। नंबर वन, किस बेस पे उनकी जी एज, 2 साल के जानवर, 5 साल के जानवर, 2 साल के, 1 साल के, 1.5 साल के, इनको अलग अलग इस तरह करना है और उन सबकी एक ऑन एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्वालिटी। अब ये जो गाय है इनमें भी डिफरेंट नस्लें हैं, मतलब डिफरेंट नस्लों की गाय है, उनकी कैटेगरी करना है, क्योंकि शायद उन नस्लों से भी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। कुछ हाई अच्छी नस्ल की गायें हैं, कुछ लो नस्ल की हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या क्या नाम बचपन पढ़े थे, माशर तिलूम होता था हमारे जमाने में, पता नहीं है, बोलते हैं। तो या एज को बेस बना लें, बल्कि ऑस्ट्रेलियन का हम बार बार सुनते हैं, ऑस्ट्रेलियन है या पता नहीं देसी, पता नहीं क्या कहते हैं, चले वगैरह वगैरह। नहीं मतलब कोई आइडिया तो बन गया ना। तो ये अगर बहुत सारी काउज हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, तो रादर के उनको हर एक को अलग अलग फेरेबली एस्टिमेट करें। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ग्रुप कर सकते हैं किन बेसिस पे, या कोई एज को बेस बना लें या क्वालिटी का बेस बना लें, एंड मेजर देयर फेयर वैल्यू इन एग्रीगेट, कच्ची फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश कर लें। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इज एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर क्या हो जाए तो क्या करने के बजाय क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एंड थर्ड वन लिखा, समटाइम्स कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट अप्रोक्सीमेट्स फेयर वैल्यू, कंसल्टेशन रहा। कहते कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट ही तकरीबन फेयर वैल्यू के बराबर होती है। कब? नंबर वन, इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस सिंस इनिशियल कॉस्ट इनकरेंस। फॉर एग्जाम्पल, सीडलिंग्स प्लांटेड इमीडिएटली प्रायर टू द ईयर एंड, प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, और न्यूली परचेज लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक किसे कहते हैं, ये भी इसी के लिए वर्ड है, काउज एनिमल्स। अब क्या बात हो रही थी, गौर से सुनिएगा। लेट्स सी, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022। आपने 29 दिसंबर 2022 को कुछ पौधे लगाए हैं किसी नर्सरी से लेके, क्या बोला मैंने, कुछ पौधे लगाए हैं नर्सरी से लेके, नर्सरी का तो पता ही होगा। तो सपोज वो 2 लाख रुपए के पौधे हैं, किस डेट पे लगाए आपने, 29, 2 दिन पहले। तो क्या ये 2 लाख जो है, आप जो जिससे मैंने कॉस्ट कहा, मार्केट में जाके इतने का लिया होगा आपने। अब 2 दिन गुजरे बीच में, 31 दिसंबर पे आप ईयर एंड पे आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से एस्टिमेट करनी है, तो क्या तकरीबन इतनी ही कॉस्ट इनकी फिलहाल फेयर वैल्यू होगी, क्योंकि बहुत कम वर्ड ढूंढना, बहुत कम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी इस टाइम पीरियड में। इफ लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर थोड़े से दिन गुजरे हैं, तो ऐसे फजूल में टाइम वेस्ट ना करें, तकरीबन इनकी फेयर वैल्यू इतनी ही होगी। दूसरी चीज, ब्रैकेट मार के लिखा था, अगर आपने 29 तारीख को कोई काओ खरीदी है सपोज 5 लाख की, और 2 दिन गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं, हफ्ता गुजरा है, 10 दिन गुजरे हैं, तो उसकी फेयर वैल्यू तकरीबन उतनी ही क्यों होगी, क्योंकि लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो। तो किसको ही क्या समझ लें, अगर नंबर वन क्या हो जाए तो कॉस्ट ही फेयर वैल्यू के बराबर होगी तकरीबन, अगर लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड सिंस इनिशियल कॉस्ट इनकरेंस। समझ आ गया सर, मैं दिल मानता। बी, देन वो कहता है इंपैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्राइस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल, द इनिशियल ग्रोथ इन 30 ईयर्स पाइन प्लांटेशन लाइफ साइकिल। कभी अपने पहाड़ी इलाकों में देखा हो तो एक इस तरह से करके एग्जैक्टली बोलेंगे नहीं, मतलब वो जो थोड़ी सी डायग्राम जैसे मिला है, पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर वो दरख्त होता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं मतलब जो इस तरह से छतरी टाइप था होता, मतलब नहीं मशरूम नहीं यार, खुदा का बड़ा सा दरख्त, बहुत ऊंचा दरख्त होता है, या इसका इस अगर उसकी भी शायद जरूरत नहीं है, आपको दरख्त जहन मिला है। लेट्स अस्यूम किसी दरख्त ने, इनकी भी काफी ज्यादा लाइफ होती होगी, ये जो हजरात जरा थोड़ा सा देही बैकग्राउंड रखते हैं वो शायद मेरी हेल्प कर सकते हैं। कोई आम का अगर दरख्त है तो उसे कितने अरसे में वो मेच्योर होता होगा, एक वर्ड मेच्योर भी आ रहा था बार बार, ये मेच्योर मींस क्या है, नहीं जिस जिस एक दरख्त कब मेच्योर कहलाएगा, जब उस पे रेगुलर हार्वेस्ट हो सकती होगी, उस पे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो अब आम देने लग गया। फॉर एग्जांपल, अगर आम का दरख्त है
इसे कितना टाइम लगता होगा? एक साल में ही लग जाता है। तो फिर कोई और दरख्त सोचता है, कुछ दरख्तों की लेकिन लाइफ शायद कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, बड़े होने में काफी अर्सा लग जाता है, नहीं मतलब काफी अर्सा लग जाता होगा। तो जिन दरख्तों को बड़े होने में काफी अर्सा लगता है, अगर फॉर एग्जाम्पल उनके 2-3 साल भी अभी गुजरे हैं, तो शायद उनकी फेयर वैल्यू पे अभी कोई खास फर्क ना पड़ता हो, वो तभी बढ़ेगा जब काफी साल गुजर जाएंगे। तो मसलन फॉर एग्जाम्पल कोई दरख्त है जिसने 30 साल में मेच्योर होना है, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने उसे शुरू में कोई 1,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेके लगाया था, तो 2 साल भी हो गए हैं अभी, थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है, तो उससे उसकी फेयर वैल्यू पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा, काफी लंबा अरसा गुजरेगा तो शायद कोई उसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू यही है ना, मतलब आप उन्हें बेचना है। तो अगर बहुत लंबी पे से प्लांट की लाइफ साइकिल है और उसमें कुछ साल इनिशियल अभी गुजरे हैं, तो इवन इन दैट केस भी जो कॉस्ट है वो शायद फेयर वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली बराबर ही हो। मतलब इस लाइन में हम पढ़ के रहे थे बेसिकली, सम टाइम्स में क्या लिखा हुआ था कि कॉस्ट ही फेयर वैल्यू के बराबर होगी अगर नंबर वन लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, थोड़ा सा ऐसा गुजरा, लेकिन कुछ ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जिनकी लाइफ इनके बहुत ज्यादा है मेच्योर होने तक, तो उनके अगर शुरू के कुछ साल भी गुजर गए तो इवन देन उनकी फेयर वैल्यू पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया होगा। तो इस केस में फिर क्या करें? कॉस्ट ही को फेयर वैल्यू समझ सकते हैं, अनलेस वाकई इसकी फेयर वैल्यू में कोई चेंज आता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? पढ़ने तरह कर लीजिए सम टाइम पूरा दोबारा। ये नहीं कंफ्यूजन नहीं गुजरे में आती है, कॉस्ट टू सेल पढ़े, अपने वर्ड्स में बताया था कॉस्ट टू सेल का क्या मतलब होना चाहिए, बेचने कॉस्ट, इंक्रीमेंटल अडाफी कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एसेट, एक्सक्लूडिंग द अंडरलाइन करें, बाकी फिर क्वेश्चंस करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉफिट लॉस में, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में, एग्जांपल्स इंक्लूड कॉस्ट टू सेल के, अब एग्जांपल्स में क्या आ सकता है? कमीशन टू ब्रोकर, ये क्या होता है? आरती भी, आरती आरती तो शायद नहीं होता, आरती कुछ और होता है, मतलब जैसे मवेशी मंडी होती है, तो नहीं, अब स्टॉक एक्सचेंज से निकले बाहर, एनिमल्स बेचारे कहाँ स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं, मवेशी मंडी में जो जाएंगे तो वहां पे पर्सन हो सकता है, मैं बिकवा देता हूँ, कमीशन लूंगा, लेकिन वहां टैक्सेस भी होते हैं शायद, गवर्नमेंट ने फीस रखी होती है, पता नहीं, वो मंडी में एंट्रेंस की भी शायद होती है, बेचने पर भी खर्च है, तो नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस, एक एसेट ने अब सेल होकर दूसरे के पास जाना, तो जिस तरह ये प्रॉपर्टी का इंतकाल होता है, प्रॉपर्टी का इंतकाल, ट्रांसफर का वर्ड कहते हैं, इंतकाल का मतलब मुंतकिल से वर्ड है, मुंतकिल इंतकाल, जिस तरह इंसान जो है जन्नत में मुंतकिल हो जाता है दुनिया से, इंतकाल हो जाता है उसका, तो इसी तरह अगर सेलर भी है, सेलर से बायर को, मवेशी ने जब मुंतकिल होना है, बेच के मुंतकिल होना, तो उस अगर कोई गवर्नमेंट ने टैक्सेस रखे होते हैं उसी तरह से, जिस तरह घर अगर बेचा किसी ने, किसी ने खरीदा, एंड ड्यूटीज, लेकिन नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल है तो डेफिनेटली फ्री कॉस्ट नहीं, फ्री एसेट है, तो दो चीजें यहाँ क्या हुई है, कमीशन है, कमीशन है और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नेक्स्ट पेज पर है, स्टोरी सी एक बनाते रहे पहले दिन में, इसमें कुछ याद करने वाली चीज अभी तक कुछ नहीं आई, लेकिन क्लियर होने वाली चीजें आई होप के हो गई सारी। ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स, सम बायोलॉजिकल एसेट्स आर फिजिकली अटैच्ड टू द लैंड, बात होगी शायद, फॉर एग्जाम्पल ट्री प्लांटेशन, एंड इट इज नेसेसरी टू वेरी द लैंड एंड बायोलॉजिकल एसेट इज वन एसेट इवन दो एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ IS-41। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई आम का बाग है, बाग होता ना ये, अब जमीन भी साथ है और दरख्त भी लगे हुए हैं, आपको शायद इनकी कंबाइंड फेयर वैल्यू ही कहीं से मिलेगी, मसलन अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी से निगोशिएट करेंगे तो पूरा बाग विद लैंड ही शायद सेल हो रहा होगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम अब क्या है कि लैंड के लिए IS-16 लगना है और जब अदरवाइज प्लांट्स हैं उनके लिए IS-41 लगना है, तो अगर आपको फेयर वैल्यू ग्रुप में मिलेगी तो फिर आप इस मसले को कैसे हल करेंगे, नेक्स्ट से लिखा हो, किस किस को कट्ठी फेयर वैल्यू मिल रही है, लैंड की और दरख्तों की, बाग की एज अ होल मिल रही है, अब क्या करें, टू ऑब्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एलिमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द
कंबाइंड आपको मिली है पहले, ठीक है, आप कंबाइंड किससे पूछ लें और बाद में फिर आप उसमें से क्या सेग्रीगेट करते हैं, किसी से किसे कंसर्न कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसी जगह होती जिसपे दरख्त ना लगे होते तो वो कितने की उसकी मार्केट वैल्यू होती, और किस में से क्या माइनस करके फिर किसकी वैल्यू निकालना, कंबाइंड फेयर वैल्यू में से लैंड फेयर वैल्यू निकाल के अपनी बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्लांट्स की फेयर वैल्यू निकाल लें। एग्जाम्पल पर अ फार्मर विशिंग टू वैल्यू एन एप्पल ऑर्चर्ड, ठीक है, होता नहीं सेब का बाग, ऑर्चर्ड, इन सर्कमस्टांसिस वेयर इज नो सेपरेट वैल्यूएशन फॉर द ऑर्चर्ड फ्रॉम द लैंड ऑन विच इट इज ग्रोन, वुड वैल्यू इट एट द कंबाइंड फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एंड ऑर्चर्ड लेस द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। किस किस को अंडरलाइन करने, किसको इकट्ठा ले लें फिर, और उसमें से क्या निकालोगे, बोलते रहे इसको यहीं पे खत्म करिए, इसमें कोई साइंस नहीं है जी। आप पिछले पेज पे रहे, पेज नंबर 210 पे, मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, मैयर कैसे मैयर करते हैं नहीं बायोलॉजिकल एसेट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, और अगर गेन लॉस आए तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, ये मेन क्रक्स है इस पूरी बहस का। अब नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट एग्जांपल के नीचे वाला पैराग्राफ, इफ फेयर वैल्यू इज नॉट इनिशियली मेजरेबल तो फिर मजबूरन किधर जाए, कॉस्टलेस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट, फिर मींस कौन सा कॉस्ट मॉडल जो आई 16 वाला वही एज इट इज अप्लाई हो जाए। हाउएवर डेप्रिसिएशन लेकिन कब स्टार्ट होगी, तो आपको होपफुली कोई डायग्राम याद होगी जिसमें बच्चा एक बेचारा कहता है मुझे अभी नहीं, फॉर एग्जांपल कोई काव का बेबी काफ है तो आपने खरीदा है तो साथ ही डेप्रिसिएशन, कब डेप्रिसिएशन, मैच्योर कब होगा, जब वो इस काबिल हो जाएगा कि जिस काबिल आप करके उसे बेचना या उसे अदरवाइज इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक दरख्त कब मैच्योर हो जाएगा, जब वो रेगुलर हार्वेस्ट देना देना शुरू कर देगा, लेकिन अगर उसे उस वक्त बड़ा करने के लिए खर्चा हो रहा कोई तो ये सब CWIP टाइप चीज हो जाती है। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज मींस व्हेन इट इज मैच्योर्ड, अब अगर उसे मैच्योर करने पे कोई खर्चा हो रहा तो वो कैपिटलाइज होगा बाद, लेकिन मेरी पूरी सुन लीजिएगा सही तरह, दो मॉडल्स हैं, असूलन है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, अगर मैयर नहीं हो सकती फिर कॉस्ट मॉडल, और अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर बिल्कुल उसी तरह ही है जिस साइंस 16 में, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज का मतलब मैच्योर होता है, और उस वक्त तक मैच्योर करते करते इतना खर्चा हो रहा है वो सारा शायद वर्किंग प्रोसेस टाइप चीज हो जाएगा। मसलन आपने एक पौधा पौधे का बीज जमीन पे बोया तो उसका जो खर्चा है हमने हिसाब कर लिया, कैलकुलेटर उठा लिए, लेजर्स बना लिए, किस नाम से CWIP प्लांट, अब उसे पानी देने के लिए माली रखे हैं, खाद, हाँ हाँ मतलब अब कब तक ये खर्चे उसका कोई मेच्योर नहीं होगा, ये खर्चे इकट्ठे करेंगे वो कॉस्ट बनेगी और फिर मेच्योर पे उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पिछले पेज पे डाले तो फिर डेप्रिसिएशन की बहस नहीं है, फिर डेप्रिसिएशन की कोई बहस नहीं है, इनिशियल मेजरमेंट भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है, सब्सिक्वेंटली भी है, गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में है, डेप्रिसिएशन की बहस कब आएगी, अगर फेयर वैल्यू लायबिलिटी मेजरेबल नहीं है फिर कॉस्ट मॉडल है, और फिर कॉस्ट मॉडल वैसे ही है जैसा ये 16 में, और अगर कोई कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में डिफरेंस आ गया तो इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट भी वही होगा लेकिन कब, अगर कॉस्ट मॉडल है, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो वहां ना डेप्रिसिएशन है ना कोई इंपेयरमेंट है, हर बैलेंस शीट डेट पे सिर्फ कंपैरिजन होना बिटवीन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, मैच्योर वाली बात समझ आ गई, एसेट कब शेड होता है नहीं, अब अदरवाइज भी हम यही शेयर वर्ड समझते हैं, बिल्डिंग कब डेप्रिशिएट होना शुरू होगी जब वो कम से कम पूरी तो हो जाए। पॉइंट इन मेंबर्स, दीज अब बायोलॉजिकल एसेट्स आर नॉट रिवैल्यूड, कंसंट्रेशन फुल जरा, मतलब ये था कि फर्स्ट लाइन में जाए फेयर वैल्यू इज नॉट इनिशियली रिलायबली मेजरेबल, बल्कि अगर इनिशियली रिलायबली मेजरेबल नहीं थी तो कॉस्ट मॉडल पे आप आ गए, लेकिन अगर सबसीक्वेंटली कभी फेयर वैल्यू मिल गई तो अब आपने आई एस 16 में रह के रिवेल्यूशन मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, आपने आई एस 16 छोड़ देना है और वापसी करनी है आई एस 41 में, और उस डेट से ऑनवर्ड्स फिर आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाला मॉडल ऑफ आई एस 40 अप्लाई करना है। अगर किस तरफ जाना पड़ा था मजबूरन,
फेयर वैल्यू नहीं मिल रही थी तो I16 की तरफ जाना पड़ रहा था, मजबूरन तो ठीक है चले जाए, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यूज मिल जाए तो वहीं रह के मॉडल नहीं बदलना, वापस किधर आना है IS41 में, और IS41 का फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करना है। IS16 का जो मॉडल है उसमें अगर सरप्लस आ जाए तो इक्विटी का पार्ट बनता है, लॉस आ जाए तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेस कॉस्ट टू सेल वाली कोई बहस नहीं है। वापिस आने का मतलब क्या है, IS41 में आके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में आ जाए और कोई डेप्रिसिएशन की फिर यहाँ कोई बहस नहीं है। IS16 में रहेंगे तो वहां डेप्रिसिएशन भी है इवन इन रेवल्यूशन मॉडल। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल रही तो कहाँ चले जाए, IS16 के कॉस्ट मॉडल में, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यूज मिल गई हैं तो देन वापसी फरमाए कहां से कहां, कहां रह के रिवैल्यूएशन नहीं करनी, कहां आके क्या करना है, IS16 में रह के रिवैल्यूएशन नहीं करनी, IS41 में आना है और फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करनी। IS41 में डेप्रिसिएशन कब है, नहीं अगर यहां कॉस्ट मॉडल है तो ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली IS16 वाला है तो ज्यादा बेहतर ये कि हम उधर से जंप, इधर से उधर जंप लगा दें IS16 में, लेकिन जब क्या मिल जाए तो वापस इधर आ जाओ। जो उसकी नहीं, जो उसकी उस वक्त जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट टाइप होगी उसको फिर फेयर वैल्यू से आके कंपेयर करेंगे, गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में अपनाएंगे। अब मतलब वापस इधर आके जो करना है करना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह नहीं कि उधर से रिवैल्यूएशन करके इधर वापस आना है, इधर ही आ जाना है। सेंटेंस पढ़ने पर These above biological assets are not revalued under I-16. If fair value subsequently is liability measurable, then entity must measure the biological assets from that point at fair value less cost to sell as per I-41. वो जो भी carrying amount होगी, वो as it is इधर आएगी, इधर आके means IS-41 में आके fair value less cost to sell से compare होगी और gain या loss profit loss में जाएगा according to IS-41 अब measurement करें, ठीक? तो according to IS-41 एक जरा पैराग्राफ आखिरी हो, देर इज अ प्रिजम्पशन दैट फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली फॉर अ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। पहले यहां एक मिनट रुक जाए, IS-41 ये कहता है कि ये नॉर असम्पशन है कि दुनिया का कोई भी कोना हो बायोलॉजिकल एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल मिल जाती है, एक नॉर्मल असम्पशन है। आप भी जरा जनरली सोचें तो शायद हमने कोई बाग क्यों बनाया होगा, हमको मार्केट वैल्यू मिलने का चांस होगा तभी बनाएगा, कोई फार्म आपने क्यों बनाया होगा, कैटल फार्म फिश फार्म ये क्यों बनाया होगा, आपको उम्मीद होगी मेरी ये चीजें बिक जाएंगी। तो नॉर्मल प्रिजम्पशन क्या है कि फेयर वैल्यूज मिल जाएंगी, हाउएवर पढ़े आप, द प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड, आप कह सकते हैं किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में कि नहीं मुझे नहीं मिल रही, रिबट का मतलब क्या होगा, कैंसल आउट कर लें या कुछ और अगर अच्छा वर्ड किसी के ज़हन में आता है। प्रिजम्पशन कैन बी, ये जरा चेक करें अपने अपने मोबाइल में किसी के पास अगर किसका सिनोनिमम मिल जाए, मोबाइल को किसी और मकसद के भी इस्तेमाल कर लें अदर देन स्टडीज या लेक्चर ही लेते रहते हैं, नहीं किसी के पास अगर ऑप्शन है तो उसका कोई अच्छा ऐसा अगर मिल जाए, वैसे कोई ट्रांसलेशन करेगा रिबट नहीं सर सुना कभी, कैंसल के सेंस में होता लेकिन अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अच्छा बता दो, है जी रिवोक 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 है कोई, रिवोक क्या होता है, कैंसल के सेंस में ही है, इन अदर वर्ड्स बहरहाल चले ठीक है बस रिवोक से गुजारा कर लेते हैं, डिनाई डिनाई ठीक है। सेंटेंस सुने जरा गौर से, हाउएवर प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड, हम कह सकते हैं कि नई स्टैंडर्ड वाले जो कहते हैं कि फेयर वैल्यू हमेशा मिल जाती है, हम इसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कब, ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब अगर इनिशियली जब आपका कोई एसेट था उस वक्त अगर फेयर वैल्यू मिल गई है तो स्टैंडर्ड ही कहता है, फिर आप बाद में नहीं कह सकते फेयर वैल्यूज नहीं मिलती। हाँ अगर आपको शुरू में नहीं मिल रही तो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर आपके पहले मिल जाती थी इनिशियली मिल जाती बाद में नहीं मिल रही तो ये स्टैंडर्ड मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ऊपर वापस है वहां लिखा होता है इफ एग्जाम्पल के नीचे इफ फेयर वैल्यू इज नॉट इनिशियली रिलायबली, अगर इनिशियली नहीं मिलती तो कहां चले जाएं, लेकिन अगर इनिशियली मिल गई है तो कहां ही रहें, फिर IS-41 में। पूरी स्टोरी का मतलब क्या बना, IS-41 ये कहता है कि नॉर्मल अजम्पशन, सर मोबाइल ऑफ करते हैं सर, सॉरी मैंने आपसे ऑन करवाया अब ऑफ ही नहीं हो रहा। IS-41 ये कहता है कि फेयर वैल्यू किसकी मिल जाएगी, बायोलॉजिकल एसेट्स की, इंशाल्लाह मिल जाएगी, नॉर्मल यही है।
लेकिन एज अ बिजनेस आप कह सकते हैं कि मुझे मेरे बायोलॉजिकल असेट्स की फेयर वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन कब? इनिशियली, सब्सिक्वेंटली ये इजाजत नहीं है। इनिशियली अगर मिल गई थी फेयर वैल्यू, तो फिर आपने उसी फेयर वैल्यू पे ही रहना, चाहे बाद में फेयर वैल्यूज ना भी मिलती है। कॉस्ट मॉडल में कब जाना है? अगर इनिशियली फेयर वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप इस प्रिजम्पशन को डिनाई कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन किस वक्त डिसएग्री कर सकते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर बायोलॉजिकल एसेट फॉर विच कोटेड मार्केट प्राइसेस आर नॉट अवेलेबल। आप कह सकते हैं जी मवेशी मंडियां नहीं लगती, ऑस्ट्रेलिया में हम कहीं रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम तस्मानिया के जजीरे के पास रहते हैं, तस्मानिया के आइलैंड के पास पास रहते हैं, तो वहां मंडियां नहीं लगती हैं। लेकिन ये कब कह सकते हैं आप? जब इनिशियल मेजरमेंट है। आप कह सकते हैं बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, बहुत रिमोट इलाके हैं, वहां हमें फेयर वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन ये किस वक्त कह सकते हैं आप? जब इनिशियल मेजरमेंट। अब यहां तक मैं एक मिनट रुकूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेज नंबर 210 से लेके 210 के मिड से लेके पेज नंबर 211 के मिड तक एग्जांपल से पहले पहले जरा एक मिनट एक छोटी सी रिवीजन करने पड़ कर। मेन चीजें क्या है जी? दो तीन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? कंट्रोल में हो, प्रोबेबल बेनिफिट्स हो, फेयर वैल्यू या कॉस्ट रिलायबिलिटी मेजरेबल। अब समझ आ गया फेयर वैल्यू या कॉस्ट क्यों लिखा हुआ? नहीं मतलब हो सकता है फेयर वैल्यू मिल जाए या कम से कम कॉस्ट तो मिले, लेकिन अगर दोनों ना मिले तो फिर हम मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स किस पे होती है? असूलन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट असल पे, इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली भी, और गेन लॉस प्रॉफिट लॉस पे। फिर इस केस में डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो इनिशियल रिकॉग्निशन पे, तो फिर कॉस्ट मॉडल ऑफ आई 16 है। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू मिल जाए तो IAS 41 में वापस आना है, और अकॉर्डिंग टू IAS 41 सब कुछ करना है। देन फ्रेंड में ये बात हुई है कि आप इस प्रिजम्पशन को जो स्टैंडर्ड कहता है कि फेयर वैल्यू मिल जाएगी, रिबट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल रिकॉग्निशन पे करना। चले आइए जी जरा बोरिंग चीज को जरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एंट्रीज की तरफ लेके चले। एग्जाम्पल सर आपने सिर्फ कंसंट्रेट करना है, आप कुछ भी इसमें नहीं है। मसलन क्या? एग्जाम्पल वन देखें, कुछ चीजें जो हम जिंदगी में यूज हुए हैं वो मैं बीच में चीजें मिक्स करता हूँ, लेकिन चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में क्या हो रहा है ये मेरे से सुन लग रहा है। एग्जाम्पल कौन सी कर रहा हूँ? पेज कौन सा आ गया? 211। एन एंटिटी परचेज्ड अ काउ फॉर रुपीज 120,000। क्या है ये 120,000? कॉस्ट है। लेकिन क्या आपने मार्केट से खरीदा होगा? तो उस वक्त यही फेयर वैल्यू होगी, डिफरेंट भी तो हो सकती। नहीं मगर वो बल्क डिस्काउंट हुई भी होगी तो मार्केट वैल्यू फिर वही होती है। वो भी जानबूझ के ज्यादा बताता है मार्केट से, उसे पता लोगों ने आना है
निगोशिएट करना है, बहस होनी है, तो मैंने अगर पहले ही कम बताया फिर भी इसने छुड़वाना तो है, तो मैं पहले इतना बताऊं कि ये छुड़वाए भी तब भी मैं इसे ज्यादा ही ले लूं, ये भी खुश मैं भी खुश। तो फाइनली जो निगोशिएटेड प्राइस होती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, वही असल में मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू को कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है? सेलर सेल प्राइस कहता है, बायर परचेस प्राइस कहता है, और खरीदने के बाद हम उसे कॉस्ट कह देते हैं। तो 2 लाख क्या है? परचेस प्राइस है, चलिए और कुछ भी नहीं, सॉरी 120। इन एडिशन देयर इज अ कैरिज कॉस्ट ऑफ 2000, ये क्या है? कैरिज कॉस्ट का मतलब ये कैरिज इनवर्ट होगा, आपने मंडी से अपने पास लाना। रिलैक्स है कि सुननी बात है। Entity estimates that if it sells the cow now, if it sells the cow, then auctioner, बोलियां लगाने वाले, charge a sales commission of 2% of the market value, and there is a government levy means government duty, government tax based on market value of 3% on sale. नीचे कुछ ना देखें, इन्हीं lines के अंदर अंदर रहेगा। मुझसे मुझे एक double entry करवा। Cow debit means biological asset debit. नहीं, एक मिनट प्लीज, सिंपल कंसेंट्रेशन। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट का मतलब cow एक बायोलॉजिकल एसेट है, तो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कितने से? सही वर्ड, सही वर्ड, सही वर्ड, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे फेयर वैल्यू बताएं, और ये परचेस प्राइस है, तो फिलहाल वही मार्केट वैल्यू भी होगी, लेकिन इसमें से क्या माइनस होना है? कॉस्ट टू सेल ढूंढने, 2% कमीशन ढूंढे ढूंढे ढूंढे, कैसे कैलकुलेट करो? 120 का 2% 2400 हो जाएगा। कुछ और भी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है 3% सेल पे, तो माइनस 1,20,000 इनटू 3%। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आंसर बताएं फाइनल। 1,14,000 का नाम बताएं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इसका नाम है। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। मत लिखे मत लिखे, सिर्फ वर्किंग करें। ये समझ आ गया? 2% 3%, ये क्या माइनस किया मैंने? अब इसमें एक 2000 ढूंढने जो फर्स्ट लाइन में आया वो प्लस नहीं करवाया आपने। अगर हम आइए 16 वगैरह जेन में लाए, तो वहां क्राइटेरिया है रिकॉर्डिंग का इनिशियली कॉस्ट पे, वहां कैसे रिकॉर्ड करता मैं? 120 जमा 2000 कैरिज इनवर्ट्स, हम यूज टू हैं ऐड करने में, लेकिन किस में ऐड करने में? कॉस्ट में। यहाँ मेजरमेंट प्रिंसिपल ही क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में कैरिज इनवर्ट्स नहीं आना। कैरिज इनवर्ट किस चीज का खर्चा है? खरीदने का, बेचने का नहीं, कैरिज इनवर्ट्स, तो बेचने के खर्चे मैंने माइनस किए। अब नीचे देखेंगे तो परेशान होंगे जो एंट्री हुई भी है, मैं शायद कुछ और पूछने लगा हूं। आप बताएं कैश कितना जाएगा? मेरा ख्याल 122, मेरा ख्याल 122, मेरा ख्याल 122, अलग अलग एंट्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन शायद एक कंपाउंड एंट्री बना सकता हूं। कैश कितना जाएगा? 120 भी जाएगा और 2000 भी जाएगा, और ये भी तो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, ये कब जाएगा? जब बेचेंगे। बेच दिया है, सिर्फ ये देख रहे हैं अगर बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा। तो अभी पैसे कितने गए हमारे? अलग अलग अभी कर सकते हैं, मैं एक कंपाउंड एंट्री करना चाह रहा हूँ। 120 प्लस 2, हमारा टोटल कैश गया होगा 1,22,000। नहीं, रिलैक्स। अब ये जो फिगर्स आई हमारे सामने, इन फिगर्स का मीनिंग ये है कि 1,22,000 रुपया दे के हमारे पास जो बायोलॉजिकल एसेट आया उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 1,14,000, एक बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आएगी 8,000। ये 8,000 कहलाएगा लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या हमेशा इनिशियल रिकॉग्निशन पे लॉस ही होगा? रिलैक्स रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं, मैं अभी अगली एग्जांपल भी करवाता हूँ। व्हाई इट इज लॉस? डेबिट फिगर आ रही है, कितने पैसे दे के कितने वाला एसेट मिला है? 1,22,000 देके 1,14,000 रुपए वाला फेयर वैल्यू नेट पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल वाला एसेट मिला है, देयरफॉर इसमें एक डेबिट अमाउंट आ रही है जो कहां चली जाएगी? फॉरन प्रॉफिट एंड लॉस में। अब अपनी जरा नीचे एंट्री देखें एक सेकंड। आपको नीचे वाली एंट्री में 6,000 नजर आएगा,
उसकी वजह ये है कि आपको एक नीचे और एंट्री नजर आ रही है। तो अब ये जो 6-8 हजार है बेसिकली किस किस का सम हो गया, लॉस भी 6 हजार है और 2 हजार कैरिज इनवर्ट्स है। इसे इसे अलहदा करना कोई कंपल्सरी नहीं है क्योंकि दोनों ने कहा जाना है प्रॉफिट लॉस में, तो अलहदा भी किया जा सकता है। 2 हजार की एंट्री अलहदा भी की जा सकती है, लेकिन कैरिज इनवर्ट्स फिर आप कैपिटलाइज नहीं होना। अगर अलहदा भी एंट्री करेंगे तो कैरिज इनवर्ट्स भी यहाँ कहा जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। कैरिज इनवर्ट्स कैपिटलाइज होता था यार, वो उस वक्त होता जब एसेट इज मेजर्ड एट कॉस्ट, तो कॉस्ट का वो हिस्सा है। अब यहाँ ये मेजरमेंट बेसिस डिफरेंट हो गई है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल की तरफ बात जा रही है। अच्छा, इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की रीजन है कि इसे कॉस्ट पे क्यों डेबिट नहीं करना, लेकिन वो थोड़ा समझ आगे चले, फिर मैं देखता हूँ कि हम कितने के बड़े हो गए हैं कि मैं रीजन डिस्कस करूँ या मैं खुद ही फंसूंगा। पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, मैंने फिलहाल किसको किस पे डेबिट किया है? ना 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 यार, मैंने फिलहाल बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे डेबिट किया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, लेकिन पैसे हमारे जो गए हैं वो 122 है, तो डिफरेंस 8000 बन रहा है। उस 8000 का एक ब्रेकअप है, लॉस है और 6000 और कैरिज इनवर्ट्स भी है जो प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। दोनों ने क्यों प्रॉफिट लॉस में जाना, तो इसलिए हम कट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल एक कंपाउंड एंट्री भी लिखना था पेज एंड पर, या इसके साथ ही लिखना दोनों को मिलाकर। सॉरी एंट्री तो लिखे सपा किधर है, ये कॉपी करवा लीजिएगा, ये ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कुछ हिम्मत की? ये किस दिन मैंने एंट्री की है? जिस दिन मैंने परचेज किया इनिशियली, जिस दिन मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया। अब सब्सिक्वेंटली क्या करूंगा जब ईयर एंड्स आएंगे? दोबारा फेयर वैल्यू एस्टीमेट करूंगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल एस्टीमेट करूंगा, और अगर कोई फिर डिफरेंस आया तो वो क्या या क्या होगा, वो गेन या लॉस होगा प्रॉफिट लॉस में। नेक्स्ट पेज पे एक मिनट जरा, एक मिनट हौसला हो जाएगा, क्या हमेशा लॉस ही होगा? जी नो, एंट्री नोट होगी। अब सेकंड एग्जांपल पढ़े जिन्होंने लिखी, एंटिटीज काउ हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी काफ टुडे। जी आगे पढ़े बगैर बताएं एंट्री क्या करेंगे आप? करेंगे करेंगे बेबी काफ टुडे, नहीं नहीं अभी एस्टिमेट करेंगे आप। इसी हाल में नहीं क्या आपके एसेट्स में इजाफा नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब की तरफ से आपको और बायोलॉजिकल एसेट मिल गए। कितने का लिया आपने? बायोलॉजिकल ग्रोथ से जो मिला आपको इसके कितने पैसे दिए आपने, कितने देने पहले दिए होंगे इसके? तो क्या ये रब की तरफ से आपको इनाम मिला? क्या एंट्री करेंगे? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट गेन क्रेडिट, अभी गेन बनना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के बस ये एंट्री करनी, लेकिन किस अमाउंट पे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल। नेक्स्ट लाइन पढ़ा, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द बेबी काफ इज 10,000 इन ऑर्डर टू सेल द काफ। अभी उसी हाल में फिलहाल देखना, मतलब उसी कंडीशन में न्यू बॉर्न, इन ऑर्डर टू सेल द काफ एंटिटी विल हैव टू पे 2,000 फॉर एग्जाम्पल 200 ट्रांसफर टैक्स एंड सेल कमीशन 1,500। डबल एंट्री करवाएंगे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। वंस अगेन किससे नहीं एंट्री हो रही? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन द डेट ऑफ बर्थ, कैसे? फेयर वैल्यू माइनस 200 माइनस 1500 इज इक्वल टू 8300। व्हाट इज द डबल एंट्री? गेन प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लें एंट्री आंसर। वो कब का उसने?
नहीं होगी तो नहीं करें, फिर कॉस्ट पे करें, फिर 120 या प्लस 2 आईएस, आईएस 16, 122 डेबिट, 122 क्रेडिट, कॉस्ट मॉडल, फिर कोई नहीं रिकॉग्निशन में गेन लॉस नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। अच्छा अभी एंट्रीज और भी करनी है, लिख ली एंट्री, लेकिन बीच में जरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रख रहे जरा, क्योंकि अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी आएगी। अभी आपने पेज नंबर 210 पे किसका ट्रीटमेंट पढ़ा? मेजरमेंट हमने पढ़ी बायोलॉजिकल एसेट्स की अलग था, अब हम पढ़ने लगे मेजरमेंट किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है? जब बायोलॉजिकल एसेट से हासिल होती है, बस इसमें कर लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल एसेट से जो चीज हासिल होती है वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसका ट्रीटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट IS-41 लगाना है, सबसीक्वेंटली IS-2 लगाना है अगर ये चीजें स्टॉक में होंगी। IS-41 सॉरी IS-40 का दिया। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? डिटैचमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन ऑल केसेस, एन एंटिटी मेजर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। द स्टैंडर्ड इज ऑफ द व्यू दैट फेयर वैल्यू कैन ऑलवेज बी मेजर्ड। यहाँ स्टैंडर्ड क्या मानने को तैयार ही नहीं है, स्टैंडर्ड यहाँ मानने को तैयार ही नहीं है कि फेयर वैल्यू कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। किसने हमेशा किस पे ही आना? बायोलॉजिकल एसेट ने भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आना है, लेकिन वहां एक चॉइस है कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन पे एंट्री कहे तो स्टैंडर्ड कहते हम ठीक है मानने को तैयार है, आप कॉस्ट मॉडल पे आ जाएं, लेकिन किसके लिए स्टैंडर्ड क्या मानने को तैयार ही नहीं है? आप भी जरा ठंडे दिल सोचें, आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्यों उगाई होगी अगर उसने नहीं है, अगर उसने बिकना ही नहीं है तो आप कहते होंगे बस ठीक है कोई आ जाएंगे पंद्रह आ जाएंगे कोई जानवर आ जाएंगे मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर आप उसके को मैनेजमेंट करने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। आप कब इंटरेस्टेड होंगे? आप कब आम उतारेंगे? और अगर आपका ये आम नहीं बिकना तो आप उतार के फिर खाएंगे, बिजनेस नहीं कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होगा? जब हमने आम का दरख्त इसलिए लगाया हुआ ताकि हम उतार के खाएंगे, फिर ये स्टैंडर्ड नहीं है। बिजनेस बिजनेस हो रहा होगा इन चीजों का तभी ये स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये आम नहीं बिकने तो आम खाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, फिर शायद तोड़ेंगे फिर खाएंगे, लेकिन IS-41 बहस में नहीं होगा। तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हासिल की है, बिजनेस एक्टिविटी की है, तो आपको इसकी फेयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट मिल जाएगी। स्टैंडर्ड क्या मानने को हरगिज तैयार नहीं है। एनी गेन लॉस वंस अगेन कहा जाएगा, ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इज प्रेजेंटेड इन प्रॉफिट लॉस आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट। अभी एक और सुधर आ गया, आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ट्रांसफर टू इन्वेंट्री। अच्छा एक सेकंड, एक्स्ट्रा थोड़ी सी एंट्रीज बनाने की कोशिश करें जरा। लेट्स अज्यूम आपने आम तोड़े हैं, डबल एंट्री, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रैपिड कैश क्रेडिट गेन क्रेडिट, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गेन उतारी जा रहे हैं, गेन हो ही जा रहा है, कैश दे रहे हैं यार। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रैपिड कैश क्रेडिट किस लम्हे उतारा, और IS-41 के मुताबिक फेयर वैल्यू लगा ली। अब अगर उन्होंने उतार के स्टोर में रख लिया तो अब IS-41 खत्म हो गया, अब यहाँ IS-41 खत्म हो गया। IS-41 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन पे लगना, सबसीक्वेंटली अब कौन सा स्टैंडर्ड शुरू हो गया? IS-2। और ये इनिशियली जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल थी ये स्टोर रूम में रखते ही कॉस्ट कहलाए, और उसके बाद अब इसने दोबारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे मैयर नहीं होना, इसने अब इन्वेंट्री पे मैयर होना और इन्वेंट्री वाले स्टैंडर्ड से मैयर होना है, और उसमें फिर लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, NRV पे तभी लेके जाना है अगर वो लोअर होगी, वरना वो उसी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रहेगा जो कॉस्ट बन गई थी। इसका पूरा ट्रीटमेंट बस ये अनकोडीम्ड कॉस्ट का मतलब समझा, व्हाट अज्यूम्ड कॉस्ट, किसको कॉस्ट समझेंगे? आ जाएंगे पढ़ के फाइनल कर लेते हैं। आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ट्रांसफर टू इन्वेंट्री, एंट्री बोलो इन्वेंट्री डेबिट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट, एक स्टैंडर्ड के नाम बदलने के लिए इन्वेंट्री वर्ड लगा देंगे, एंड देयरफॉर ISO इज अप्लाइड फ्रॉम दैट फ्रॉम देयर ऑन, इट मींस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विल बी अज्यूम्ड एज कॉस्ट। डीम्ड का मतलब होता है
assumed as cost when transferred to inventory at the end of the reporting period, this agriculture produce should be measured by applying the requirements of IS2, that is lower of cost and NIRB rather than IS41. What is the crux of the story? एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस पे हमेशा कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IS41. लेकिन किस लम्हे? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट. तो उस अगर एंट्री बन गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट गेन क्रेडिट, सब्सिक्वेंटली आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब इन्वेंट्रीज में ट्रांसफर करेंगे तो इन्वेंट्रीज डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट किस अमाउंट पे? उसी की अमाउंट पे, लेकिन आप अमाउंट कॉस्ट कहना है. और अगर ईयर एंड आ गया और ये इन्वेंट्री पड़ी है तो अब इस कॉस्ट को आप एनआरवी से कंपेयर करेंगे और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे मेजर करेंगे. आपकी किसी भी बात से कोई साथ वाला भाई हरगिज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको मैं खुद डिस्टर्ब करूंगा जब जरूरत पड़ेगी. एग्जाम्पल पढ़ा भाई, जरा कुछ ज्यादा दूर निकल गया है, इंशाल्लाह इसे वापस लाते हैं. इसका एक दोस्त पीछे बैठा हुआ है, वही इसको वापस दुनिया में ला सकेगा. किसी और दुनिया में क्या है? मार्स. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने बोलना बंद किया तो आपकी आंख खुली, इसका मतलब ये इल्जाम हमारे पर नहीं आया. एग्जाम्पल यूजिंग द अर्लियर एग्जाम्पल, ये शीप वाली एग्जाम्पल आई थी, पेज नंबर 220, जरा जेन में रखे, जरा शीप हर्ड वाली उसको साथ रख लीजिएगा. लैम्स शुड इनिशियली बी मेजर्ड व्हेन दे आर बोर्न एट देयर, बताएं जी सही है? असूलन इस पे है, अनलेस क्या और है? ना सर, लैम्स लैम्स, अच्छा लैम बायोलॉजिकल एसेट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? बायोलॉजिकल एसेट ही ठीक है मेरा ख्याल है, तो इसके लिए चॉइस है. आगे एज दे ग्रो एंड देयर वैल्यू चेंजेस द गेन लॉस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द बायोलॉजिकल एसेट्स वैल्यू आल्सो इन द प्रॉफिट लॉस. ठीक है. द शीप मे बी यूज्ड फॉर स्पिनिंग वूल, अब ये क्या चीज है? Once the wool has been sheared from the sheep, utari from the sheep, as an agricultural produce, the wool should be measured at fair value less cost of sale according to IS 41. If the wool is still in inventory at the end of the reporting period, then apply IS 2 for measurement. आगे आप पढ़ने से पहले आज हम कुछ entries करते हैं.